हेलो फ्रेंड, अल्टीमेट डॉट में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, कैसे राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसके दौरान बैकअप ले सके एंड रीसेट करके भी हम रिस्टोर भी कर सके। हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन एंड बैकअप एंड रीसेट एंड रिस्टोर, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जाना होगा गूगल पे, उसका आपका जो राउटर का डिफ़ॉल्ट आईडी है, आईपी है, उसको डालना होगा 192.168.0.1 एंड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको रहता है एडमिन एंड एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आप देख लीजिए, पहले मेरा नाम है सौरभ और मैंने पासवर्ड भी क्या दे के रखा हुआ है, पासवर्ड 123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है और मेरा सब कुछ सेट को, मतलब मेरा स्टार्ट आईपी एंड आईपी सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, ये मेरा आईपी है, ठीक है, मेरा मैक एड्रेस। तो आपको फर्स्ट जाना होगा सिस्टम टूल में, ठीक है, सिस्टम टूल में आपको फर्स्ट जाने होगा। उसके बाद आपको जाना है बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है। अब जब बैकअप एंड रिस्टोर पे जाओगे, उसके बाद क्लिक करना है बैकअप पे। मैं ऑलरेडी कट के रखा हुआ हूँ इसलिए ओके किया एंड ओपन अ फोल्डर। पहले वाला को डाउन डिलीट करके आपको नया से दिख रहा हूँ, बैकअप करके आया मेरा स्टार्ट डाउनलोड एंड ओपन फोल्डर। ये मेरा है कॉन्फ़िगर बिन, कॉन्फ़िग बिन, इसको हम काट करके डेस्कटॉप में ला रहे हैं। ठीक है, यहीं रहने देते हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाना है, ठीक है, फैक्ट्री डिफॉल्ट में। फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाने से आपको क्या होगा, देखिए, क्लिक टू फॉलोइंग बटन टू रीसेट ऑल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिस्टोर करने के बाद मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मतलब कोई भी, जैसे पहले जब आप लोग राउटर खरीदते हो, पहले कुछ नहीं रहता है, मतलब आईपी पैटर्न नहीं रहता है, आपका जो राउटर का नेम होता है वही नेम ही शो करता है, आपका खुद का नेम तो नहीं आता है ना पहले। तो ऐसे ही पहले जैसा रहता था तभी ऐसे ही आएगा। तो ऑलरेडी मेरा बैकअप फाइल है इसलिए मेरे को कुछ करने नहीं होगा, कुछ सेटिंग भी करने नहीं होगा। तो मान लीजिए आपका राउटर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वेबसाइट का आपका कभी कभी ये जो डिफ़ॉल्ट लिंक है और डिफ़ॉल्ट लिंक भी कैच नहीं करता है, तो आपको क्या करता है, आपको राउटर का जो पीछे ना रीसेट का बटन होता है उसको, उस पर जाके आपको क्लिक करने से आपको रीसेट हो जाता है। तो आपका ऐसी शो होता है, मतलब कुछ कुछ भी आईपी फाइपी बैठा नहीं, देखिए मेरा आईपी फाइपी कुछ बैठा नहीं है और मेरा जो नाम है वो भी टीपी लिंक का आ रहा है। मेरा आई थिंक मेरा पासवर्ड आपको पहले दिखाया था, देखिए पासवर्ड भी डिजेबल हो चुका है, सब कुछ पहले जैसा हो गया। जैसे नया राउटर खरीदने से जब सेट करने होता है तभी जैसा हो गया। फिर आपको क्या, कुछ नहीं, आपको सीधे से जाना होगा सिस्टम टूल में, ठीक है, सिस्टम टूल में जाके आपको जाना है बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है। आप कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, फाइल चूज कीजिए। तो मेरा फाइल था इधर, कहाँ था, सी यूजर सौरभ डेस्कटॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन बिन, ठीक है, चलो
कॉन्फ़िगरेशन बीन है, कॉन्फ़िग बीन है, तो इसको हम ओपन किए। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे होल्ड। बहुत ही जल्दी हो रहा है। तो पहले आप लोग ऐसे ही राउटर एक बार सेट करके आप लोग जो रिस्टोर का जो फाइल होता है वो संभाल के आप लोग पहले से रख लोगे, कॉन्फिग बिन करके जो फाइल होता है, तो आप कोई सेफ जगह में आपको रख लेने से आपका दोबारा कुछ भी राउटर का प्रॉब्लम होगा तो आपको दोबारा सेट नहीं करने पड़ेगा। दोबारा मान लीजिए आपका आईपी आप भूल गए, उसके बाद आपको कॉल करने होता है आपका जो भी है। मेरा तो एलियंस का नहीं रहा, तो लॉगिन कर लिए। एंड देखिए मेरा पहले जैसा हो गया, मतलब पहले नेटवर्क पे जाते हैं, देखिए मेरा आईपी आ गया एंड मेरा जो नाम था वो भी आ गया एंड पासवर्ड भी देख लीजिए, पासवर्ड भी जो भी था वो भी आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जो जो पहले सेट किया था हम वो भी आ चुका है। बहुत ही ईजी है, बट बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, तो आप लोग इजीली बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं एक बारी डालने से। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपका जो एक कॉन्फिग बिन जो फाइल है उसको आपको सेव करके रखना होगा, बस और कुछ नहीं करने होगा। ठीक है, और ऐसे ही लेटेस्ट नया वीडियो आपको चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।